आप सभी विद्यार्थियों का, आलोक जी का और सुशील भैया का, सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने आप लोगों से इस बात पर चर्चा करने के लिए निश्चित किया है कि हम देखें कि जो दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इनके बीच में पूरे विश्व में क्या हुआ। इसको कहते हैं कि वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स। दोनों वर्ल्ड वार आप जानते हैं, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945। ये समकालीन विश्व को समझने के लिए यह एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है कि समझा जाए कि वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स कैसे था। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से अपने आप को परिचित करना चाहिए। वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन जिन महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं चर्चा करूंगा वो आप कह सकते हैं कि 1914 से 18 के बीच का, जिसे आप कहते हैं बाल्कन प्रदेश कहते हैं यूरोप में, या इंग्लैंड की तुलना में उसे नियर ईस्ट कहते हैं, और उस नियर ईस्ट प्रदेश को एक खास किस्म से वहां पर एक नेशनलिज्म या राष्ट्रीयताओं का विकास होता है, और वे राष्ट्रीयताएं अपने को एसर्ट करने की कोशिश करती हैं, और ऐसे में ही कुछ इस तरह का वातावरण बनता है 19वीं शताब्दी से कि कैसे एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है, उसमें कैसे बहुत से इलाकों में साम्राज्यवादी इन्फ्लुएंस कायम किया जाए, जिसके बारे में आपने, आपको जानकारी है 19वीं शताब्दी में किस तरह से कैसे दो दो नए नेशंस का अभ्युदय होता है, जर्मनी के नेशन का और इटली के, और ये किस तरह से ये नेशन अपने आप को एसर्ट करते हैं। जैसा पहले के क्लासेस में मैंने बताया कि किस तरह से यूरोप के नेशनलिज्म एक खास किस्म के इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ते हैं, और इस साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ने में ये सभी जो देश हैं यूरोप के, वो आपस में कुछ गुटबंदियां करते हैं, कुछ गुप्त संधियां करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया वगैरह ये लोग मिलकर के गुप्त संधियां करते हैं, और कैसे और बाकी जो देश हैं, तो फ्रांस और इंग्लैंड और रूस के लोग किस तरह से आपस में संधि करते हैं। तो ये एक ऐसा वातावरण पैदा होता है जैसे कि पूरे विश्व को कब्जा करने के लिए ये जो यूरोप के देश हैं, जहां पर एक खास किस्म का नेशनलिज्म इमर्ज कर रहा है, उन सब देशों में किस तरह से पूरे विश्व को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, और इसी दौर में उस प्रयास में एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त न कर पाए और शांति के माध्यम से बातों को सॉल्व न कर पाए, और इसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914-1918। ये महत्वपूर्ण घटना आप कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध। पूरे विश्व इतिहास में इस तरह से विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग थोड़ा करते हैं जिसे 30 इयर्स वार कहते हैं, 1618 से 1648, यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं, उसमें पूरा यूरोप इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये जो विश्व युद्ध है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है, जिसमें पूरे विश्व इन्वॉल्व होता है। यद्यपि युद्ध का थिएटर बहुत अधिक यूरोप ही रहता है युद्ध का थिएटर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटती है वो इसी दौर में रूस की क्रांति, जिसे कहते हैं रशियन रिवोल्यूशन 1917, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि किस तरह से रूस में जो रोमनोव वंश है, तो बहुत शताब्दियों से वहां पर शासन कर रहा है, जो जार की टाइटल लगाते हैं, जार माने राजा, और उनका जो अंतिम राजा जार निकोलस
किस तरह से जार निकोलस को 1917 में पदच्युत किया जाता है और उसको गिरफ्तार करके एक बड़े ही खराब ढंग से उसको एक जगह रखा जाता है, उसको और उसके बच्चों को, उसका एक लड़का रहता है, किस तरह से वो लड़का एक खास किस्म के रोग से परेशान होता है और उसमें जैसे कोई खून गिरने लगे तो खून बंद ही ना हो, इस तरह से जार निकोलस का पुत्र था, उसकी लड़कियां थी और किस तरह से उसकी पत्नी थी। और ऐसे ही समय में आपने रास्पुतिन का नाम सुना होगा, रास्पुतिन, रास्पुतिन जो एक किसान बैकग्राउंड का व्यक्ति था, वो किस तरह से वह रूस के समाज में, खासतौर से जो वहां का रॉयल समाज था उसमें प्रभावित लोगों को करता है। बाद में तमाम सामंत लोग मिलकर के रास्पुतिन की हत्या करते हैं। और इसी दौर में एक खास किस्म का, जिसे आप सभी लोगों को जानना चाहिए, वो कहते हैं मार्क्सवाद से प्रभावित होकर के जो रूस है उसके जो मजदूर हैं वो लोग एक खास किस्म के मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित होते हैं, जिसका जो सबसे बड़ा अग्रणी जो सबसे बड़ा चिंतक है वो है लेनिन, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया, उसके थ्योरी के बारे में बताया कि किस तरह से लेनिन ने कहा कि जो इंपीरियलिज्म है वो लेटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो लेनिन के नेतृत्व में 1917 में जो रूस में क्रांति होती है और एक नए प्रकार का वातावरण तैयार होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1917 से लेकर के और 1991 तक इसके रशियन रिवॉल्यूशन के प्रभाव को आप पूरे विश्व में देख सकते हैं। यद्यपि 1919 से 1939 के बीच में अगर आप इतिहास को देखेंगे, इस पर जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने बड़ा कंपेयर किया है कि विश्व को अधिक खतरा रूस से था जो रूस में क्रांति हुई थी, या अधिक खतरा जो जर्मनी और इटली में खासतौर से फासीवाद और नाजीवाद का अभ्युदय हुआ था, इस पर जो चर्चा किया, खासतौर से बड़े भारी इतिहासकार हॉब्सबॉम ने जो 4 वॉल्यूम में किताबें लिखा है फ्रांस की क्रांति से लेकर के 1991 के बीच में, तो इससे संबंधित जो उनका रेलिवेंट वॉल्यूम है उसमें वो बड़ी अच्छी तुलना करते हैं कि पूरा विश्व सोवियत यूनियन जो अस्तित्व में आता है उससे अधिक प्रभावित था, उससे अधिक परेशान था, या जो खासतौर से जर्मनी और इटली में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं फासीवाद और नाजीवाद से। तो ये भी एक आपके समझने का विषय है कि फासीवाद और नाजीवाद और जापान का मिलिटरिज्म बनाम सोवियत यूनियन में जो एक खास किस्म की क्रांति होती है, उस क्रांति को जिसे रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उनके क्या पोटेंशियल है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपको मैं बताना चाहूंगा वो 1919 की, उसे वर्साई की शांति संधियां कहते हैं, पीस ट्रीटीज ऑफ वर्साई। कई बार इतिहासकार कहते हैं कि 1919 के वर्साई की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज मौजूद थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में शुरू होता है उसका बीज, उसकी पूरी पोटेंशियल वर्साई के संधि में निहित थी। और इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि वर्साई की संधि अपने आप में एक जैसे किसी को दंडित करने वाली संधि थी, और उसमें पूरे प्रथम विश्वयुद्ध का जो जिसे कहा जाए अपराध, उस अपराध को जर्मनी के ऊपर उसका अपराध लगाया गया, और जो वहां के विलियम कैसर सेकंड जो वहां का शासक था उसको दोषी माना गया, वो तो एबडिकेट करके चला जाता है और जर्मनी में एक खास किस्म का रिपब्लिक कायम होता है, वाइमर या वेमर रिपब्लिक होता है। तो वो पूरे वेमर रिपब्लिक के लोग वर्साई की संधि द्वारा जो एक खास किस्म के कंपनसेशन पूरे जर्मनी के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, और जर्मनी को कई टन सोना प्रथम विश्व युद्ध में अपराधी मान करके कई टन सोना उसके ऊपर आरोपित किया जाता है कि आपको इतना टन सोना देना पड़ेगा। और उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें तमाम जो विश्व के बैंक थे, जो आपके अमेरिका के बैंक थे और यूरोप के बैंक थे, उन सभी बैंकों ने जर्मनी के
बिहाफ पर उसके लोन की जो किस्त बनी वो देना शुरू कर दिया। और ये हुआ कि जर्मनी से इसको कैसे वसूला जाएगा, तो जर्मनी की जो कोयले की खदान थी, बहुत तक जो कोयला उत्पन्न होता था, उन सब पर यूरोप की जो कंपनियां थी जो उनको लोन दे रही थी जिसके आधार पर कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सब उस पर कब्जा कर रही थी। RUHR रूर की वैली जिसे कहते हैं, वहां पर जो कोयले की उनकी बड़ी खदानें थी, और जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोजिशन किया गया, अपमानजनक एक शर्त लगाई गई कि जर्मनी में 5 लाख से अधिक सैनिक नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, जर्मनी के लोग सेना में नौसेना वगैरह नहीं विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह के ये अपमानजनक संधि के परिप्रेक्ष्य से जो जर्मनी में एक खास किस्म के राष्ट्रवाद का अभ्युदय होता है, उसी राष्ट्रवाद को हमने बताया कि किस तरह से वहां पर उसको हम लोगों ने कहा कि जर्मनी का नाजीवाद खड़ा होता है, जो एक इस प्रकार के अपमानजनक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी बात को कह करके उठता है कि जर्मनी के लोगों को अपने बेइज्जती का बदला लेना है। और बेइज्जती का भाव उनके मन में इतना अधिक था, जैसा मैंने पहले के क्लास में बताया कि किस तरह से उन लोगों ने ये देखा कि एक जमाने में, खासतौर से जब बिस्मार्क प्रशा का जो चांसलर था, बाद में जर्मनी का चांसलर हुआ, जो फ्रांस को पराजित करके, फ्रांस के सीने पर पैर रख करके जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, फ्रांस के दो जो प्रांत थे एल्सेस और लोरेन, जो माँ के गोद में दूध पीते हुए बच्चे की तरह से उनको छीन लिया गया था और जर्मनी ने उसको अपने में मिला लिया था, तो ये एक पूरे यूरोप की राजधानी बर्लिन हो गई थी 1978 में आकर के। तो इस तरह से जो पूरे यूरोप का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ राज्य, जो नया नया राष्ट्रवाद उभरा था, उसको इतना अधिक अपमानित होना पड़ा कि उस अपमानजनक स्थितियों में अब वहां पर एक ऐसा ही नेता पैदा हो सकता था जिसको कहते हैं कि जो एडॉल्फ हिटलर का जो जन्म होता है, एडॉल्फ हिटलर जैसा ही नेता पैदा हो सकता था। जब भी कभी कोई देश बहुत चोटिल देश हो जाता है, उस देश के तमाम लोगों को बहुत चोट लगती है, तो उसमें एक ऐसा नेता ही उत्पन्न होता है जो थोड़ा खरी खरी बातें करे, कुछ तानाशाही की बातें करे, कुछ डिक्टेटरशिप की बात करे, कुछ कल्चर की बात करे, कुछ संस्कृति की बात कुछ ऐसे करे और किसी और संस्कृति को अपनाए नहीं। और इस तरह से इटली वगैरह के लोगों को भी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में, उनको भी बड़ा एक असंतोष रहा कि जो भी कॉलोनी वगैरह के जो बंटवारे हुए वर्साई के संधि के तहत, उसमें उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, वो भी एक नए प्रकार के राष्ट्र भर करके आए थे और उनके देश में एक खास प्रकार का चिंतन जिसे फासीवाद कहा गया। मैंने बताया कि फासीवाद का चिंतन किस तरह से एक संस्कृति और एक नेता और एक राजनीतिक दल, इसके अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस एक ही राजनीतिक दल होगा, एक संस्कृति होगी, एक नेता होगा, ऐसे करके उन लोगों ने फासिज्म शब्द, माने फासिज्म माने होता है बांधना, लकड़ी के गट्ठर को बांधना, जैसे पूरी देश की जनता उनकी एक एकजुट हो जाए, एकजुट हो करके वह एक नेता के अधीन हो करके, एक कल्चर के अधीन हो करके एकजुट रहे और पूरा समाज को, जैसे कि कोई एक बड़ा भारी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के अनुसार पूरे समाज को एकजुट करना है। इस तरह से फासीवाद के अंतर्गत इटली का और नाजीवाद के अंतर्गत, नाजीवाद जो है जर्मनी का शब्द है, जिसमें कि उसका मुख्य अर्थ ये होता है कि वर्कर्स की जो पार्टी है, जो सोशलिज्म का भी उद्देश्य रखते हैं वो लोग, कैसे समाजवादी उद्देश्य रख करके वो एक वर्कर्स की पार्टी बनाते हैं, समाजवाद उनके उनके लक्ष्य में समाजवाद भी रहता है कि देश में समाजवाद लाएंगे। और जब वो देखते हैं कि उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम होती है जर्मनी में, वो लोकतांत्रिक सरकार लोगों के इस राष्ट्रवाद की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में 1931 में एक खास ढंग से हिटलर का अभ्युदय होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कि कैसे वो जो है चांसलर बनता है और चांसलर बनने में कैसे वो अपने एक चुनाव होता है, उस चुनाव में कैसे बहुत मार्जिनल मेजॉरिटी आती है और वहां पर बड़ी
इस सब कहानियां पढ़ने की है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में वो लोग आग लगा देते हैं, खुद ही जर्मनी के हिटलर के ही लोग, और चार्ज लगाते हैं कि कम्युनिस्ट लोगों ने ये सब किया है। तो उस तरह के एक वातावरण में किसी तरह से सत्ता को प्राप्त करता है चांसलर जो आपका ये है हिटलर, और फिर हिटलर पूरे जर्मनी पर एक तरह से एक उसका अकेले एक शासन कायम होता है, और वह अपने पक्ष के लोगों को पूरे जर्मनी में बैठाता है, जिसपे आप लोगों ने गेस्टापो का नाम सुना होगा, फिफ्थ कॉलमिनिस्ट का नाम सुना होगा, किस तरह से हर एक व्यक्ति का कुंडली बनाई गई, कुंडली मतलब हर एक व्यक्ति की जांच की गई, सब सब लोगों की पूरी पूरी जांच करके सबकी फाइल बनाई गई, हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखी गई। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको जानना चाहिए कि किस तरह से नाजीवाद ने एक दुश्मन को भी खोजा अपने देश में, उन्होंने यहूदियों को अपना दुश्मन खोजा और बताया कि ये यहूदी लोग, इनकी कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है, ये अंतरराष्ट्रीय ढंग से काम करते हैं, और उन लोगों को खोज खोज करके यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया, और निकाल करके उनके साथ बड़े दुर्व्यवहार हुए, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया और उनके साथ गैस चैम्बर वगैरह बनाए गए जिसमें उनको मार दिया गया, जो बूढ़े लोग मार दिए गए, उस पर बड़ी फिल्म वगैरह भी बनी हुई है कि किस तरह से जर्मनी में खास तौर से यहूदी लोगों को कैसे बहुत अधिक पीड़ित किया गया, और इस पीड़ा के फलस्वरूप एक बहुत ही जैसे कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय जगत में जर्मनी का नाम बहुत खराब रखा गया। आज भी जर्मनी में या पूरे विश्व में कहीं भी कोई फासीवाद या नाजीवाद के पक्ष में कोई बात कहता है तो लोग उसको बड़े ही एक शंका की निगाह से देखते हैं। आपको पता होगा कि नाजीवाद के सिद्धांत में जर्मनी में हिटलर ने खास तौर से अपने देश के एक एक खास किस्म से अपने को बताया कि हम लोग श्रेष्ठ जाति के हैं, हम लोग आर्य हैं, उसने कहा और कहा कि हमारा अधिकार है पूरे विश्व में शासन करने का। उसने भारत के वो जो स्वस्तिक का चिन्ह है उसको अपनाया एक उल्टे ढंग से, और खास किस्म की महिलाओं के बारे में भी एक बहुत ही एक दकियानूसी टाइप का विचार या पिछड़ा विचार था कि महिलाओं का कार्य है बस अच्छे अच्छे बच्चों को पैदा करना, 6-6.5 फीट के जर्मन को पैदा करें। तो इस तरह से एक खास किस्म का नेशनलिज्म जो जर्मनी को यूनाइट करे, जर्मनी के लोगों को इतना अधिक ताकतवर करे कि वह वर्साई की संधि का न केवल बदला ले सके बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां पर उनको कॉलोनी नहीं मिल पाई है, उपनिवेश नहीं मिल पाई है, जहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेश हैं, उन सभी उपनिवेशों को फिर से कब्जा किया जाए। ये बात भी आपको समझने की जरूरत है। और इसी दौर में 1920-22 के दौर में खास तौर से आपके जो ये इटली का जो फासीवादी चिंतक है मुसोलिनी, वो किस तरह से वहां के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड जो वहां का राजा रहता है उसको 20,000 सैनिकों को ले जा करके रोम से उसको गद्दी से च्युत कर देता है, और वह भी अपने पूरे समाज को एक फासीवादी ढंग से ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सभी लोग को जैसे कोई मिलिट्री एक समाज एक मिलिटराइज्ड समाज हो जाए और किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त न किया जाए, बस एक एक कल्चर हो जिसको कोई लोगों ने डिफाइन किया कि हम लोगों का पुराना जो कल्चर है जो इटली के गौरव का कल्चर है उस गौरव के आधार पर हम लोगों को यहाँ पर पूरे अपने देश को एकजुट करना है। तो इस तरह से पूरे देश के लोग भी मुसोलिनी से बहुत अधिक मतलब पीड़ित हुए, और इसका प्रमाण ये है कि जैसा मैंने पहले के क्लास में बताया कि जब मुसोलिनी पराजित होता है तो किस तरह से उसके बॉडी को रोम में लटका दिया जाता है और पूरी जनता करीब 6 या 7 दिन तक उसकी एकदम नग्न बॉडी पर जो ही जाता था वही थूक देता था इटली का व्यक्ति, अर्थात उसके प्रति कितना घृणा था। उसी तरह से जर्मनी में जो हिटलर था वो तो एक बंकर में जाकर के अपने आप को गोली मार लेता है और तमाम उसके जो वापस उसका जो पूरा जर्मनी है, जर्मनी का किस तरह से जो तमाम ताकतें हैं रूस की और आपके अमेरिका की और
खासतौर से ब्रिटेन की और फ्रांस की भी, ये सभी ताकतें पूरे जर्मनी को कब्जा कर लेती हैं। जर्मनी को लगभग चार टुकड़े में बांट दिया जाता है, जिसमें कि जर्मनी का एक टुकड़ा जो है वो जिसे कहते हैं कि पूर्वी जर्मनी होता है, और बाकी तीन टुकड़े मिलकर के पश्चिमी जर्मनी का निर्माण करते हैं। और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत यूनियन का असर होता है, और जो पश्चिमी जर्मनी के जो तीनों इलाके हैं यूएसए और ब्रिटेन और फ्रांस के, वो मिल करके पश्चिमी जर्मनी का निर्माण करते हैं। वो एक खास किस्म का डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जिसके बारे में आगे के क्लासेस में आप देखेंगे दूसरे पेपर में, इसके सेकंड पेपर में, कि किस तरह से 1988-89 तक आते आते वो दोनों के बीच में एक दीवार होती है, उस दीवार को कैसे वहां की जनता तोड़ देती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये घटनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इस संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसकी चर्चा किए बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि विश्व में क्या हो रहा था। वो महत्वपूर्ण घटना थी कि इसी दौर में 1919 से 1939 के बीच में पूरे यूरोप में इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे थे, जिसे कहते हैं शांति के प्रयास, शांति किया जाए जैसे युद्ध न हो। इसमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैं बस नाम ले रहा हूं, उसके बारे में डिटेल आप देखिएगा, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, या आपके लोकार्नो पैक्ट के बारे में चर्चा होती है, या म्यूनिख एग्रीमेंट होते हैं। ये सभी जो मैंने अभी नाम लिया, इन सब के माध्यम से यूरोप की तमाम ताकतें आपस में बातचीत करके कुछ ऐसे कोशिश करती हैं कि शांति हो। और इस शांति के पूरे प्रयास को समझने के लिए बहुत एक सूत्र वाक्य के रूप में बताना चाहूंगा कि तमाम गैर जर्मन जो राष्ट्र थे, वो सब यही कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी आने वाले समय में एक खास किस्म से पूरे यूरोप का जो स्टेटस को है उसे चेंज करेगा, इसलिए जर्मनी को ही संतुष्ट किया जाए। जर्मनी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, और पूरे यूरोप के लोगों को यह लगा कि जर्मनी को अगर संतुष्ट करेंगे तो पूरे यूरोप के लोगों को, जैसा कि एरिक हॉब्सबॉम ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिखा है, कि यूरोप के लोगों के सामने दो प्रकार के, एक तरह से देखा जाए तो खतरे के रूप में देख रहे थे, एक सोवियत यूनियन के राइज को भी, और इधर जो है फासीवाद और नाजीवाद। तो उन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने बहुत शॉर्ट में सूत्र वाक्य में कोशिश किया कि जर्मनी और रूस के बीच में ही संघर्ष हो जाए, यही लोग आपस में लड़ जाए, तो ऐसे स्थितियों में हम लोग दोनों से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि ऐसी स्थिति नहीं बनती है, प्रारंभिक दौर में आप जब सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे तो किस तरह से रूस और जर्मनी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और उस अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से हिटलर नहीं मानता है, और किसी प्रकार से उन लोगों के बीच में जो कंट्रोवर्सी होती है उस कंट्रोवर्सी से नहीं मानता है, और जो जर्मनी का जो पराभव होता है उस पराभव में किस तरह से जर्मनी की तमाम सेनाएं जो अटैक करती हैं खासतौर से रूस के ऊपर, वो उनके लिए एक, जिसे कहते हैं युद्ध मैदान की जो स्ट्रेटजी होती है, युद्ध के स्ट्रेटजी में वो जर्मनी के लिए बहुत खतरनाक हिटलर का वो मूव होता है। उस मूव में हिटलर बहुत अधिक उसके सैनिक मारे जाते हैं और बहुत अधिक परास्त होने की स्थिति में आ जाता है। और इसी दौर में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन पूरे विश्व में जगह जगह पर युद्ध मैदान में अपने सैनिकों को लेकर के, और खासतौर से ब्रिटेन के जो सैनिक हो भारत के ही सैनिक होते हैं, बहुत अधिक पूरे विश्व में भारत के सैनिक जा करके ब्रिटेन की तरफ लड़ते हैं, और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल है जो छड़ी लेकर के हर युद्ध के मैदान में, चाहे वो अफ्रीका का युद्ध मैदान हो या यूरोप का युद्ध मैदान हो, हर जगह वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही फील्ड पर पहुंच जाता था, जहां पर कि हिटलर वगैरह के जनरल लोग पहुंचते थे युद्ध में, जैसे अफ्रीका में उनका रोमेल उनका एक था, लेकिन चर्चिल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि चर्चिल युद्ध के मैदान में जगह जगह पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको बताने की कि किस तरह से पूरे यूरोप में फासीवाद, नाजीवाद, और खासतौर से रशियन रिवॉल्यूशन को भी आप सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच के महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और घटना के बारे में चर्चा करना होगा कि वर्साई की संधि के माध्यम से
लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, वही लीग ऑफ नेशंस जो जाकर के 1945 में यूनाइटेड नेशंस के रूप में आता है। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी संघ था जिस संघ के पास कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं थी, जैसा कि आज आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के पास एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके परमानेंट सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है, जिसके माध्यम से वो विश्व में कोई भी घटनाएं घटती हैं तो उनको अपने ढंग से वो लोग बातचीत करके शांति करने की कोशिश करते हैं। अगर 1945 से लेकर अब तक का इतिहास आप देखेंगे तो देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल और खास तौर से एक और नया फैक्टर जिसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन का पूरे विश्व में आ जाना, ये भी शांति के लिए एक इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा। अब विश्व में कोई भी ताकत, जो बड़ी ताकत है, खास तौर से अमेरिका है या रूस है या चीन है जो परमानेंट मेंबर है, या ब्रिटेन है या फ्रांस है परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जिनके पास ये आपके वीटो पावर है, ये सभी न्यूक्लियर पावर के देश हैं, तो ये लोग बहुत से मामलों में वीटो करके किसी भी एक ऐसे रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देते जिससे कोई दूसरा व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित हो। तो ये बात जो है आपको बहुत अधिक समझने की है कि किस तरह से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है और उस लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से यूरोप में शांति की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं, उसमें डायलॉग होते हैं, उसमें बातचीत होती है, उसके बहुत से जो है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत से अंग हैं, उसी तरह से उसके भी बहुत से अंग बनाए गए, और उन लोगों का ये हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा या आम जनता कहीं भी अगर कोई नेशनैलिटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं तो उस पर लीग ऑफ नेशंस में विचार किया जाएगा। परंतु लीग ऑफ नेशंस में जो अमेरिका जो वर्साई की संधि का निर्माण करने वाला था, उसके जो राष्ट्रपति थे, जो विल्सन थे, जो वर्साई की संधि में भाग लिए और उन्होंने 14 सूत्री प्रोग्राम बताया था, राष्ट्रवाद के संदर्भ में सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत बताया था जिसे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपके सामने कहूंगा 14 सूत्री प्रोग्राम विल्सन ने जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था दिया था, लेकिन अमेरिका खुद ही 1919 की वर्साई की संधि उसको अस्वीकार किया, माने उसमें भाग नहीं लिया और विल्सन के सभी प्रस्तावों से अपने को विड्रॉ कर लिया। तो लीग ऑफ नेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी न रहना यह भी उसके वीकनेस का कारण था। लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में नहीं रोक पाया और जर्मनी को कंटेन नहीं कर पाए, जर्मनी को रोक, क्योंकि जर्मनी के पास यह था कि हमारे जहां जहां जर्मन देश के लोग हैं, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे वो सुडेटनलैंड हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे और भी कई देश हैं जहां पर भी जर्मनी के राष्ट्रिक हैं, उन सभी को मिला लेना है। तो एक खास किस्म का प्रजातीय राष्ट्रवाद, प्रजाति के आधार पर कि हमारी यहां यहां प्रजातियां हैं, इन सभी को मिलाकर हमको जर्मन नेशनलिज्म का निर्माण करना है। और आपको पता होगा कि किस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग देशों में आ जाते हैं, जो विश्व के एक समय बहुत पावरफुल देश ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजवंश था वो भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे सब परिस्थितियों में किस तरह से जर्मनी एक ऐसा पोटेंशियल लिए रहता है जो युद्ध की तैयारी किए हुए था और युद्ध होना ही था, क्योंकि उसको जो अपमानजनक स्थितियां थी, यद्यपि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिटलर सत्ता में आने के बाद, चांसलर होने के बाद, वो सभी कंपनसेशन देना मना कर दिया, जो जर्मनी को कई टन सोना देना था उसको मना कर दिया। आपको ऐसे सूचित कर रहा हूं कि वो पूरा का पूरा कंपनसेशन या मुआवजा है जर्मनी ने बाद में, जब जर्मनी का एकीकरण होता है 1988-89 में, उसके बाद फिर वो कंपनसेशन जर्मनी देता है और जाकर 2012 में वो पूरा प्रथम विश्व युद्ध के समय के वर्साई की संधि का जो कंपनसेशन होता है वो कई टन सोना जर्मनी 2012 में पूरा लौटाता है। ये आपके जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप जानते रहिए। तो इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसको मैं लास्ट में चर्चा कर रहा हूं, दोनों विश्व युद्ध के बीच की, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इस दौर में एक मंदी का दौर 1929-33, एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जो आपकी एक यूनिट भी है पढ़ने के लिए। ये मंदी जो है वो पूरे, कई बार लोग इतिहासकार कहते हैं कि ये मंदी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, हर एक देश ने एक खास किस्म के पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को जन्म दिया मंदी ने। 1929 के अक्टूबर महीने में जिस तरह से अमेरिका में वहां के वॉल स्ट्रीट में जो वहां पर शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है, शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है अर्थात शेयर का मूल्य जीरो की तरफ चला जाता है, शेयर का मूल्य जीरो की तरफ जाने में तमाम कंपनियां दिवाला निकल जाता है, और उस दिवाला निकलने में, दिवाला माने वो लोग पेमेंट नहीं कर पाती है, और फिर उनके जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सबके छटनी होते हैं, वो सड़कों पर चले आते हैं, अमेरिका में अभूतपूर्व बेरोजगारी का वातावरण बनता है, और ऐसे बेरोजगारी के वातावरण में वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो रिपब्लिकन पार्टी का हुअर करके होता है, वो प्रेसिडेंट उस समय अमेरिका को जो जरूरत थी करने की वो नहीं कर पाता है, और 1932 में वहां पर चुनाव होता है, और अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका में बहुत लगातार कम से कम 4 टर्म तक प्रेसिडेंट होता है, लगातार प्रेसिडेंट होता है, और एक नई पॉलिसी लेकर के आता है जिस पॉलिसी को लोगों ने कहा न्यू डील पॉलिसी लेकर के आया, और ऐसे समय में ही 1932 में जो जिसे कहते हैं कि जो जेएम कीन्स का नाम हमने लिया था कि जेएम कीन्स जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था उसने एक फिलॉसफी को जन्म दिया, जो फिलॉसफी ये थी कि अगर कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को नष्ट नहीं होना है, जैसा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में था कि पूंजीवाद की नियति नष्ट हो जाने की है, मोनोपोलाइजेशन होगा, उस मोनोपोलाइजेशन में सोसाइटी में पॉपराइजेशन होगा, गरीबी होगी, गरीब अमीर के बीच में संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में गरीब लोग अमीरों को पराजित करके राज्य पर कब्जा कर लेंगे, इसको क्लास स्ट्रगल उन लोगों ने कहा। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी स्थितियां बनी जैसे लगा कि पूंजीवाद पूरे विश्व में ध्वस्त हो जाएगा। 1929-33 के पूंजीवाद का ये मंदी का असर पूरे विश्व में पड़ता है, भारत भी उसमें, ब्रिटिश इंडिया भी प्रभावित होता है, भारत में भी, और मंदी का असर क्या होता है कि वस्तुओं का दाम गिर जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर नहीं रहता है, और लोग अपना सामान बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए, कोई सामान खरीदने वाला नहीं होता है तो अपना सामान फेंक करके गलियों में चले आते हैं। इस तरह से पूरे विश्व में मंदी का युग का वातावरण बनता है। इस मंदी से जो प्रभावित नहीं होता है देश वो होता है सोवियत यूनियन। उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी जो इकोनॉमी थी, उसकी अर्थव्यवस्था थी, वो पूरे विश्व के पूंजीवाद से अलग हटके अर्थव्यवस्था थी, इसलिए मंदी का असर उनके देश में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, प्लान्ड ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए उन पर मंदी का असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में मंदी का असर, चाहे वो आप लातिन अमेरिका में देखिए, चाहे अफ्रीका में देखिए, चाहे एशिया में देखिए, जहां कहीं भी पूरे विश्व में बाजार एक दूसरे से गुथा हुआ था, लोगों के सामान खरीद करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा रहे थे, उन सब में एक खास किस्म का एक वातावरण होता है कि चीजें खरीदी नहीं जा रही, और ऐसे मंदी के वातावरण में न्यू डील पॉलिसी आती है जिसमें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट तमाम लोगों को मुफ्त के भोजन कराना, मुफ्त का खाना देना, तमाम लोगों को, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देना, और इस तरह से पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका में लोगों को इस तरह से 1932 से 36 के बीच में वहां के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से जनता की सेवा किया, और जनता से उसने पूछा भी कि बताइए अब आप लोग अच्छे दिन आ गए, जैसा मैंने पहले की क्लास में कहा था कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि क्या अच्छे दिन आ गए, तो वहां की जनता ने कहा हाँ बहुत अच्छे से अच्छे दिन आ गए, और 32 के बाद 36 का चुनाव, 36 के बाद 40 का चुनाव, और 44 का चुनाव जीतता है, 44 बार मर जाता है, उसके बाद फिर उन्हीं के पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये पावर में आती है, लेकिन दोनों विश्व युद्धों के बीच में ये जो मंदी का जो युग है ये बड़ा ही रेडिकलाइज करता है, जैसे हिटलर का जन्म होना, मंदी के परिप्रेक्ष्य में बेरोजगारी का आना, तमाम स्पेन वगैरह में आप देखेंगे वहां पर भी एक खास किस्म के जिसे कहा जाएगी फासीवाद का, स्पेन में जो मिलिटरिज्म का जन्म होता है,
विश्व के बहुत से देशों में या तो कम्युनिज्म या आपके फासीवाद का जन्म होता है, क्योंकि ये लोग एक बहुत ही सख्त राज्य की मांग करते हैं। यद्यपि ये मंदी का युग अमेरिका में एक नए प्रकार की व्यवस्था लाता है, अमेरिका में कह सकते हैं कि और अधिक डेमोक्रेसी को जन्म देता है, क्योंकि वहां का जो समझदार राष्ट्रपति है वो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, जो उनका रिजर्व बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, उसमें बहुत से सोने पूरे विश्व के आकर के जमा हो गए थे, वो सभी सोने को उसमें सदुपयोग किया, लोगों के बीच में पैसे बांटे, और इस पैसे बांटने का परिणाम ये हुआ कि एक तरह से मंदी से 33-34 तक आते आते मंदी से अमेरिका मुक्त हुआ, और अमेरिका के मुक्त होने के साथ साथ पूरा विश्व जो है मंदी से मुक्त होता है। परंतु मुक्त होने के बावजूद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस मंदी के दौर में अमेरिका गुजरता है उसमें खास तौर से जर्मनी में क्या होता है। आप देखेंगे कि जर्मनी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हिटलर ने बड़े भारी भारी प्रोजेक्ट बनाए, और उन प्रोजेक्टों को अगर आप ध्यान से, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जर्मनी में सड़कों का निर्माण करना, बहुत से हाईवे का निर्माण कराया गया, और हाईवे के निर्माण के माध्यम से लोगों को रोजगारी दी गई, लोग रोजगार प्राप्त किए, और एक खास किस्म के तानाशाही ढंग के शासन व्यवस्था को उसमें लागू किया गया। इसी तरह से इटली में भी किया गया, परंतु चूंकि इन लोगों ने अपने समाज में बहुत अधिक तानाशाही के वातावरण को पैदा किया, इसलिए उनके समाज में उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ। और इसी के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने एक खास ढंग से एक टर्की के जो खलीफा थे, जिनको पूरे जो इस्लामिक जगत है उस इस्लामिक जगत में उनको नेता माना जाता था, वो टर्की के खलीफा को पदच्युत किया जाता है, और टर्की को कहा जाता है कि यूरोप का एक बीमार एक देश है, और टर्की के पराभव के साथ जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो शून्य क्रिएट होता है, चाहे वो यूरोप में उसका शून्य, खासतौर से मिडिल ईस्ट जिसे मध्य पूर्व कहते हैं, उन सभी इलाकों में जो शून्य पैदा होता है टर्की के अवसान के साथ, टर्की का यस खलीफा के अवसान के साथ, और फिर जो मिडिल ईस्ट के जो देश है, मध्य पूर्व के देश है, खासतौर से वेस्ट एशिया के देश, मध्य पूर्व कहने की जगह मुझे वेस्ट एशिया कहना चाहिए, वेस्ट एशिया के देश खलीफा के हटने के बाद वो सभी के सभी देशों में एक राष्ट्रवाद का विकास होता है। चाहे वो आपका सभी देशों का नाम अगर आप ले लीजिए, चाहे आप आपका ईरान का, इराक का, लेबनान का है? आपके इजिप्ट का, इजिप्ट का तो अफ्रीकन देश है, और सऊदी अरेबिया हुआ, अमीरात वगैरह के जो देश हुए, इन सभी देशों में एक नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है टर्की के अवसान के बाद। और सभी नेशनलिज्म किस प्रकार के नेशनलिज्म होते हैं ये भी बहुत जानने का विषय है और अध्ययन करने का विषय है कि किस प्रकार का राष्ट्रवाद जो है इन सभी देशों में आता है और उसकी प्रकृति क्या होती है। तो आप देखेंगे कि यह सभी राष्ट्र एक खास किस्म के भाषाई आधार पर, एक नस्ली आधार पर, वे लोग विभिन्न इलाकों में वहां के जो राजा लोग भी होते हैं प्रारंभिक, जैसे आप देखेंगे कि ईरान में बहुत लंबे समय तक वहां पर राजशाही रही तो राजा के नेतृत्व में, या आपके जॉर्डन में राजा थे, या सऊदी अरेबिया में राजा थे, सभी पूरे के पूरे राजाओं के नेतृत्व में वो लोग एकजुट होते हैं, और जहां राजशाही नहीं होती है वहां पर एक खास किस्म के या तो सोशलिज्म की विचारधारा से, जैसे इराक वगैरह में एक खास किस्म के सोशलिज्म की विचारधारा से लोग यूनाइट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि, और इसी दौर में यद्यपि वो बाद की घटना है सेकंड वर्ल्ड वार की, जैसे यहूदी लोगों को जब पूरे यूरोप से भगाया जाता है तो वो लोग 1949 में आकर के इसराइल में इकट्ठा होते हैं, और वहां पर अपने पुराने पूर्वजों की किताब देख करके उनको लगता है कि हमारे पूर्वजों का तो यही इलाका था, तो पूरे विश्व से वो लोग भाग करके अपना राज्य जो है वो कायम करते हैं इसराइल में, जो फिर 1949 के बाद से पूरे विश्व के इतिहास में बड़ा अधिक उसका प्रभाव होता है। और इसी दौर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना में कैसे परिवर्तन होते हैं से दोनों वर्ल्ड वार के बीच में, कि कैसे चाइना में 1912 में, 1912 में वहां सन्यासेन के अधीन
सन्यास सेन के अधीन एक चाइना का जो मांचू वंश है, बहुत 400 वर्षों से जो वहां पर शासन कर रहा था, मांचू वंश का अंत होता है और एक खास किस्म का नेशनलिस्ट चाइना का अभ्युदय होता है, जो बाद में नेशनलिस्ट चाइना जो चियांग काई शेक जिनका नाम है उनके नेतृत्व में चाइना में कोमिंतांग उनकी पार्टी होती है, नेशनलिस्ट पार्टी, उसके अधीन चाइना यूनाइट होकर आगे बढ़ता है। और इसी दौर में चाइना में किस तरह से माओ जेदांग की कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन एक बहुत बड़ी जो है संगठन किया जाता है, ये भी इतिहास का एक बहुत ही अध्ययन का विषय है, जानने का विषय है कि किस तरह से खास तौर से 1936 से लेकर के 1949 के बीच में आप जब देखेंगे कि कैसे चाइना में लगभग 10 या 12 लाख लोगों को लेकर के माओ त्से-तुंग, अगर आप चाइना का नक्शा दिमाग में याद रखें तो किस तरह से एकदम दक्षिणी पूर्वी इलाके से चाइना का जो शंघाई वगैरह का इलाका, दक्षिण पूर्वी इलाके से माओ त्से-तुंग की पूरी सेनाएं भागती चली जाती हैं और पीछे चियांग काई शेक की सेनाएं, कोमिंतांग की सेनाएं उनका पीछा करती हैं और उत्तर पूर्व तक भागती हैं। और ऐसे में जापान का जो है वो अटैक होता है, इसी सेकंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में जापान के लोग अपने खास किस्म के मिलिटरिज्म से प्रभावित होकर के पूरे आपके चाइना पर अटैक करते हैं, कोरिया पर अटैक करते हैं और पूरे अमेरिका से वो लोग युद्ध करते हैं। अमेरिका को वो लोग 1949 के दिसंबर महीने में पर्ल हार्बर नामक घटना होती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको कि आप लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से जापान ने अटैक किया अमेरिका के ऊपर, जो अमेरिका एक तरह से 1939-45 के वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था, लेकिन जापान के अटैक के बाद उसको इस युद्ध में आना पड़ा और जापान को इसका परिणाम जैसा आप लोग जानते हैं कि 1945 के जुलाई महीने में किस तरह से नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई, जिससे पूरा का पूरा जो जापान के लोग, जैसे जैसे कोई क्लास में कोई बच्चे को बहुत तेज एक थप्पड़ लग जाए चुप हो जाए, वैसे पूरे जापान के लोग चुप हो गए। ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि जापान में अभी भी बहुत तगड़ी मिलिट्री ताकत है और वो समय समय पर अपनी मिलिट्री ताकत दिखाते रहते हैं, यद्यपि 1945 के एग्रीमेंट के अंतर्गत उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री ताकत जो अमेरिका ने अपने हाथ में ले ली है, जो एक अलग विषय है जिस पर कि आपको जानना पड़ेगा। अगर पूरे विश्व को 1945 से पूंजीवाद को समझना होगा तो ये भी बात समझना पड़ेगा कि जापान पूरे विश्व में कैसे इतना आगे बढ़ा और इसी जापान के जो मिलिट्रिज्म ने किस तरह से एशिया में एक खास किस्म के मुक्ति को जन्म दिया, एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। ये आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो तमाम देश थे, जैसे फिलीपींस अमेरिका के अधीन था, अमेरिका ने स्पेन से उसको खरीद लिया था 1890 में, फिलीपींस उसकी एक कॉलोनी थी जिसे बहुत अच्छे से डेवलप करके उसने उनको आजाद कर दिया 1945 तक आते आते, लेकिन बाकी जो कॉलोनी थी जैसे इंडोनेशिया हुआ, जैसे मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, और आपके वियतनाम हुआ और आपका लाओस हुआ, कंबोडिया, ये सब एक तरह से फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन ये सब कॉलोनियां थी। इन सभी कॉलोनीज के ऊपर जापान अटैक करके ब्रिटेन और फ्रांस को उन लोगों से भगा देता है और सेकंड वर्ल्ड वार में जब जापान हार जाता है तो इन सभी इलाकों में फिर से ब्रिटेन और फ्रांस कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि किस तरह से भारत में वो लोग अपना स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उस राष्ट्रीय आंदोलन में उन लोगों को सबसे पराजित होना पड़ता है। वो कहते भी हैं कि नहीं, हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो लोग ये भी तय करते हैं कि भारत में कई टुकड़े टुकड़े में ना हो। और जो ये सभी देश है, खासतौर से वियतनाम से लेकर के और मलेशिया और इंडोनेशिया और आपके कंबोडिया, ये सभी देश, लाओस, थाईलैंड, ये सभी जो विदेशी इन्फ्लुएंस के देश थे, इन सभी देशों में एक खास किस्म के नेशनलिज्म का इमर्जेंस होता है। अब आप ये बात जानिएगा कि नेशनलिज्म लेफ्ट प्रकार का या राइट प्रकार का, नेशनलिज्म दो प्रकार का आप कह सकते हैं यहाँ तत्काल, कि अगर लेफ्ट टाइप का नेशनलिज्म हुआ जैसे कि वियतनाम में हो ची मिन्ह उनके कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत दिनों तक वो चीन में रहे और जब वहां से फ्रांस का असर खत्म होता है
खासतौर से जापान के अटैक के बाद से, फिर जापान के अवसान के बाद पूरा का पूरा जो वियतनाम है वो कम्युनिज्म के प्रभाव में जाता है। तो जैसे कहा जाए कि कोई कम्युनिज्म में जाके बहुत बड़ी गलती कर दिया, वो गलती आप पढ़ेंगे कि 1945 से लेकर 1975 तक पूरा का पूरा वियतनाम एक खास किस्म के अमेरिका के नापाम बॉम्ब और बहुत से अटैक का सामना किया, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने कहा भी अब हमसे ये इलाका संभलेगा नहीं। तो कोल्ड वार का पीरियड जो सेकंड पेपर में आपको पढ़ाएंगे 1945-1991, उस कोल्ड वार के पीरियड में ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक बड़े ही संघर्ष का, बड़ी हत्याओं का, बहुत ही जिसे कहा जाए बहुत ही दुखद स्थितियों को फेस करता है 1945 से 1975 के बीच का, उसको आप अलग से पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये जो हमने आपके सामने एक संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया कि वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी लोगों से ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा हमारा लेक्चर YouTube पर आ जाएगा, आप उसे देखिएगा और उसके बाद फिर आप WhatsApp पर या कहीं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या कल के क्लास में अगर आप इन्हीं हमारे लेक्चर पर अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना होगा तो कल आपका स्वागत है। कल हमारे इस लेक्चर पर वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स पर आप सभी लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज ये सब इनवाइटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। थैंक्स थैंक्स बहुत। थैंक यू सर। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। यस सर, सर जैसा कि हमने देखा है कि जो जो नाजीज्म जो वहां पे हो रहा है जर्मनी में, उसका एक रीजन था कि वर्साय का ट्रीटी, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था जर्मनी के लिए। लेकिन इटली में फासिज्म के राइज का क्या कॉज था? इटली में फासिज्म के राइज का कॉज यह था कि वहां पर एक खास किस्म के नेशनलिज्म की बात, कि हम लोगों को वर्साई की संधि के माध्यम से जो कॉलोनीज मिलनी चाहिए, जो तमाम जगहें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई, इसलिए वो एक आइडियोलॉजी जो वहां पर डेवलप हुई कि हम लोग भी एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट होकर के खड़े हों जिससे विश्व में हम अपने आप को स्थापित कर सकें। उसके पीछे फासिज्म के यही बात आप कह सकते हैं कि वो भी एक नेशनलिज्म वहां भी 1870 में आया था, 1870 में जर्मनी में भी आया था। तो इटली के लोग भी एक बड़े गौरव से, जब भी कोई देश एक खास सीमा से अधिक गौरव से अनुप्राणित हो जाए अपने प्राचीन काल के, तो इटली के लोग आप जानते हैं रोमन सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन, होली रोमन एम्पायर, ये सब का उनके पास एक बड़ा गर्व का भाव था। उस गर्व को लेकर के फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक कल्चर की बात किया और फिर फासिज्म माने जोड़ने की बात किया। लेकिन एग्जैक्टली जो आपका प्रश्न है कि वहां क्या हुआ, तो वो लोग भी जो उनके नेता थे खासतौर से मुसोलिनी वगैरह, उनको की हमको भी अपने इटली को पूरे विश्व में फैलाना है। जो इटली के तमाम छोटे छोटे राज थे जिसको कैवूर मैडनी और मैजनी गरिबाल्डी ने जोड़ा था, उससे एक खास किस्म का नेशनलिज्म था। आपको पता है कि जर्मनी का इटली का जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण के माध्यम से भी इटली के लोगों में खास किस्म का गौरव का भाव था, उनके रोम का गौरव। तो किसी भी समाज में एक सीमा से अधिक गौरव का भाव हो और वो गौरव का भाव एक ऐसे नेता के अधीन आ जाए जो नेता पूरे देश को एक खास ढंग से एकजुट करके युद्ध का वातावरण पैदा करे, युद्धोन्माद, तो ये हमारे समस्या है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर एक और मेरा डाउट है। जी ये सर, ये ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था यूरोप में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो बोल रहे हैं, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंडिया पर इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत में उसमें टैक्स वगैरह लोगों को देना पड़ा, तो जो एग्रीकल्चर के लोग थे वो लोग अपना एग्रीकल्चर का सामान दे नहीं पाए, बेच नहीं पाए, तो वो तमाम सोना जो बहुत कई पुरखों से इकट्ठा किए हुए थे, उन सोने को भारत में लोगों को निकाल करके सरकार का टैक्स देना पड़ा। और इसी के कारण भारत ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देखते हैं 1930 से 33 का, एक बड़ा अनरेस्ट का वातावरण भारतवर्ष में बना। एग्रीकल्चर का टैक्स आपको देना है लेकिन आपका एग्रीकल्चर का सामान नहीं बिक रहा है, तो उसमें आपको जो पूर्वजों द्वारा इकट्ठा किया हुआ सोना है उसको आपको मार्केट में बेचना पड़ा,
तो एक ग्रेट डिस्ट्रेस भारत में 1930-33 का पीरियड एक ग्रेट डिस्ट्रेस का या सिविल डिसोबीडियंस आपने देखा। तो आप कह सकते हैं भारत में यहाँ के जो किसान थे वो लोगों को अपना सामान बेच ही नहीं सकते थे, उस समय कोई सामान खरीद भी नहीं सकते थे, तो बड़ी दिक्कत थी और बहुत छटनी हुई, कोई रोजगार नहीं था, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं था। जैसे आज मंदी आती है, मनमोहन सिंह के जमाने में मंदी आई तो मनरेगा वगैरह करके लोगों को पैसे दिए, आज जो है इतना बड़ा कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज 500 रुपया महीने सबके खाते में जो गरीबी रेखा के नीचे उनको दिया, उस दौर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, तो लोग बड़ी गरीबी से परेशान, ठीक है, भारत में इस तरह से और असर पड़ा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। क्या नाम बताया आपने? जी आप अपना नाम आइडेंटिफाई कर लीजिए। यस सर, मेरा नाम सुकृति सिंह राठौर। ठीक है सुकृति सिंह राठौर, बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कल पुनः आप क्लास ज्वाइन करिए और ये जो वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स की जो चर्चा मैंने किया, इस पर आप बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप अपने विचार भी दे सकते हैं और आप अपनी बातें कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत धन्यवाद आलोक जी को, धन्यवाद भैया आपको भी धन्यवाद, और फिर हम यहाँ से आप लोगों से फिर विदा लेते हैं।